अस्सलाम वालेकुम फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज तो क्या ही ज़बरदस्त दिन है, पूरा दिन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर बारिश हो रही है। और ऐसा बहुत कम दिन होता है, कोई ऐसा इत्तेफाक होता है कि पूरा दिन जो है वो मुल्तान के अंदर बारिश होती रहे। और ये बारिश हमारे लिए भी बहुत ही रहमत का बाइस बनता है और हमारे प्लांट्स के लिए जो है ये सबसे बेहतरीन प्लांट के लिए जो है वो फर्टिलाइज़र कह लें, और सबसे बेहतरीन पानी जो है वो ये बारिश का पानी होता है। क्योंकि जो हम वैसे टैप वाटर या मोटर वगैरह ये जो भी पानी हम देते हैं अपने नल वगैरह से, वो तो केमिकल से भरा हुआ होता है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ केमिकल मौजूद होते हैं। लेकिन जो बारिश का पानी होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, विद ज़ीरो केमिकल। और जैसे ही आपने अगर कभी नोट किया हो, बारिश होती है आपके प्लांट्स को वो पानी लगता है बारिश का, तो उसमें एक अलग ही जो है वो स्पीड होती है, ग्रोथ होती है, और प्लांट जो है वो बहुत जल्दी से जो है वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही मैं आपको आज जो है बताऊँगा। और ये बारिश का टाइम जो होता है, जिस दिन और जिस टाइम बारिश हो रही होती है, उस दिन जो है वो हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन टाइम होता है कि हम अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकें। अगर हमें ज़मीन से पॉट के अंदर प्लांट को शिफ्ट करना है, या पॉट से ज़मीन के अंदर जो है वो हमने कोई प्लांट लगाना है, तो ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी लेवल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही परफेक्ट टाइम होता है ये। तो ये भी आज जो है वो मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा कि कुछ प्लांट्स को हम ज़मीन से निकाल के पॉट के अंदर शिफ्ट करने लगे हैं, और कुछ मैं प्रोपेगेशन जो है वो कर चुका हूँ, और उनकी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी उसकी जो ग्रोथ की स्पीड है मैंने ऐसे आज से पहले कभी नहीं देखी, और वो मुझे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ मिला है उसको देख के कि कितनी जल्दी जो है वो उसकी ग्रोथ, और हर जगह से उसकी जो है वो न्यू टिप्स और नई जो है वो ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई हैं। पहले तो चलकर हम देखते हैं कि प्लांट्स की क्या सिचुएशन है और क्या कंडीशन चल रही है, क्योंकि पूरा दिन बारिश होती रही है, पॉट्स पूरे तरह से फुल हो चुके हैं पानी से, और उनको देखते हैं, और फिर हम जो है वो देखते हैं कि किस तरह से मैं जो है वो शिफ्ट कर रहा हूँ प्लांट्स को पॉट्स के अंदर। तो चले मेरे साथ। अच्छा जी, ये देखें, ये पॉट पूरा फुल हो चुका है पानी से, और इतनी बारिश होती है तो यहाँ पॉट्स जो है वो हमारे पूरे फुल हो जाते हैं पानी की वजह से। तो इनको कोशिश यही करते हैं कि जब बारिश रुक जाए तो खाली हो जाए, क्योंकि ज़्यादा देर अगर यहाँ पर पॉट्स
कुछ पॉट्स जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर वहाँ पानी रह जाता है, ओवर वाटरिंग हो जाती है उसकी वजह से, और वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी लीव्स वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। रबड़ प्लांट के जो छोटे पॉट्स हैं इनके अंदर भी जो है वो पानी काफ़ी जो है वो जमा हो गया है, तो इनको भी मैंने क्लियर करना है। तो पॉट्स को कोशिश करें, जो ऐसे प्लांट्स होते हैं वैसे तो बारिश का पानी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, लेकिन यह है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको अगर ज़्यादा पानी लग जाए तो वो फिर हमारे लिए मसला जो है वो बन जाता है। तो इसीलिए मैं इनको कुछ पॉट्स को जो है वो खाली कर रहा हूँ, ताकि ये ओवर वाटरिंग की वजह से जो है वो इनकी रूट्स वगैरह में प्रॉब्लम ना हो, और ये इस तरह से जो है वो मैं इनको क्लियर कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनकी ग्रोथ चल रही है, कुछ पिछले हफ्ते भी 2-3 दफ़ा बारिश हुई है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो इनकी ग्रोथ प्लांट्स की काफ़ी अच्छे से जो है वो ग्रो हो रहे हैं ये। और ये हालात देखें, कुछ ये पानी क्योंकि इसको पूरी रात जो है वो लगता रह गया है, तो इसकी मिट्टी बहुत नरम हो गई थी जिसकी वजह से अब ये इस तरह डाइवर्ट हो गया, और ये हालात कुछ चल रहे हैं इस तरह से। तो अभी इसको मुझे सीधा करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में करूँगा, क्योंकि अभी स्टिल बारिश हो रही है और यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर के हालात हैं, ये न्यू लीफ निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये भी जो है वो बारिश के मज़े ले रहा है, और इसकी भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। अच्छा जी, तो यहाँ पर कुछ मेरे पास प्लांट्स मौजूद हैं जिन्हें मैंने ट्रांसफ़र करना है ज़मीन के अंदर से निकाल के उन्हें पॉट में लगाना है। तो ये जो है रंगून क्रीपर यहाँ पर मौजूद है, आमतौर पर यहाँ पर लोकली इसको झुमका बेल कहा जाता है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त है, और साथ में इसके है मोतिया जैस्मीन जिसको कहते हैं। ये दोनों आउटडोर प्लांट हैं, और यहाँ पर इनको यहाँ से निकालने का मकसद भी यही है कि इनको यहाँ पर सनलाइट नहीं मिल रही, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। सनलाइट ना मिलने की वजह से आप देख सकते हैं झुमका के नीचे से बिल्कुल लीव्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, और इसी तरह से ये जो मोतिया है इनके भी फ्लावरिंग बिल्कुल नहीं हो रही, ना ही इनके लीव्स वगैरह जो है वो अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, उनके साइज़ के जो है वो लीव्स जिस तरह से ग्रो होने चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो रहे। और जिस तरह से ज़मीन के अंदर एक प्लांट को ग्रो होना चाहिए, उसको क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही यहाँ पर, इसीलिए मुझे यहाँ से इनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। दोनों प्लांट्स बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आउटडोर प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट हैं। मोतिया जैस्मीन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा इसका फ्लावर होता है, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस होती है उसकी, खुशबू की तो मैं क्या ही बात करूँ, आपको खुद पता होगा इसका, ये जो जैस्मीन का या मोतिया का जो फ्लावर होता है वो कितना खुशबूदार होता है, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आउटडोर प्लांट है। इसी तरह से मैंने इसको यहाँ से जो है वो निकाल लिया, और यहाँ पर इसको जो है वो हम अभी रख देते हैं, नीचे इसकी काफ़ी सारी रूट्स मौजूद हैं, इसको अब यहाँ रख देते हैं हम। अब साथ में इसके जो है वो रंगून क्रीपर है, झुमका बेल है, तो इसको हम निकालते हैं, और रंगून क्रीपर या झुमका बेल इसका ही बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो इसकी खुशबू होती है। रात के टाइम पर इसके जो वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, वैसे इसके दो कलर के फ्लावर्स होते हैं, पिंक और वाइट, लेकिन रात में इसके वाइट कलर के फ्लावर्स जो है वो ओपन होते हैं, और वो क्या ही खुशबू देते हैं, ज़बरदस्त इनकी खुशबू होती है, और दूर दूर तक पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर जो है वो कहीं झुमका बेल लगी हुई है और उसकी खुशबू आ रही होती है। तो बेसिकली यहाँ पर इनको नीचे से निकालना जो होता है वो बड़ा ही एक कहना कि जी बहुत ही आसान टास्क नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर जो रूट्स होती हैं वो बहुत नीचे तक जा चुकी होती हैं, पॉट के अंदर एक लिमिटेड स्पेस होती है, तो वो उसके अंदर रहते हुए उसकी जो है वो रूट्स ग्रो हो रही होती हैं, लेकिन ज़मीन में कोई लिमिट नहीं होती, इनका जहाँ मुँह दिल करता है वहाँ पर इनके रूट्स का मुँह जो है वो निकल के ये चले जाते हैं, और वहाँ पर जो है वो इनको निकालना बहुत ही सब्र का काम है, बहुत ही सुकून से आपने इनको निकालना होता है, क्योंकि इनकी अगर ज़्यादा रूट्स डैमेज हो गई तो प्लांट्स का जो है वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाना है। यहाँ पर ये तीसरा प्लांट मैं निकालूँ फालसा, ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर ये जिस जगह पर लगा है यहाँ इसको बिल्कुल धूप नहीं मिलती, जिसकी वजह से इसकी फ्रूटिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही, तो यहाँ से इसको भी मुझे निकालना है। तो आज का जो टाइम है वो बहुत ही बेहतरीन टाइम है, इस टाइम के अंदर हम इन प्लांट्स को शिफ्ट करेंगे, और इसकी जो रूट्स हैं, कुछ रूट्स को मुझे यहाँ से जो है वो इसे ऊपर से कट भी करना पड़ा है, क्योंकि वो जो इनकी रूट्स हैं वो काफ़ी नीचे तक जा चुकी हैं, जहाँ तक मैं इनकी जो है वो यहाँ पर खुदाई नहीं कर सकता, तो इसीलिए बड़ी जान लगानी पड़ी है इसके लिए, क्योंकि इसका जो साइज़ है, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 9 से 10 फुट है, और दो लोगों ने जो है वो मिल के इसको निकाला है। और यहाँ इसके अंदर जो बड़ा पॉट है इसके अंदर मैं इस फालसा को लगा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो उसके लिहाज से, और इसकी जो रूट्स का स्ट्रक्चर है उसके लिहाज से मैंने ये बड़ा पॉट जो है वो सेलेक्ट किया, ताकि इसको अच्छी सपोर्ट मिले और अच्छे से जो है वो ये ग्रो करे। जब आप जिस प्लांट को ज़मीन से निकाल के पॉट के अंदर शिफ्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि उन्हें एक अच्छा सा स्पॉट आप प्रोवाइड करें, वहाँ पर रख के उनको भूल जाएँ,
क्योंकि जब वो अब जिस तरह से ये झुमका बैलेंस किया, आप रूट्स देख सकते हैं जो छोटी छोटी पतली पतली रूट्स आपको वैसे नॉर्मली देखने को मिलती हैं, वो कोई सीन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनको जब हम पॉट्स में शिफ्ट करेंगे, पॉट्स में लगाएंगे, अभी देखें इनके लीव्स वगैरह बिल्कुल फ्रेश हैं, तो पॉट के अंदर जब हम इसको मिट्टी वगैरह के अंदर लगा के एक जगह पर रख देंगे तो एक नया साइकिल स्टार्ट होगा इसकी ग्रोथ का, और तब इनका जो है वो रूट्स वगैरह इनकी ग्रो होगी। तो कोशिश करें जब भी आप इस तरह से इनको शिफ्ट करें तो आप उनको एक अच्छी सी जगह दे कर वहाँ पर रखे भूल जाएँ, ताकि बार बार इसको हम आगे पीछे करने की वजह से इनकी ग्रोथ पर जो है वो अफेक्ट पड़ता है। तो आप इनको एक अच्छा जो है वो स्पॉट देकर वहाँ पर इनको रख दें। इस तरह से मैंने इनको पानी दे दिया है, शिफ्ट कर दिया है पॉट के अंदर, मिट्टी इनके अंदर जो है वो मैंने ऐड कर दी है प्रॉपरली, और अब यहाँ पर इनको मैंने ये नीचे रॉक्स वगैरह रख दिए हैं ताकि इनको ज़रा सपोर्ट मिल जाए अच्छे से। और जो अभी हालात आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इस मौसम की वजह से हैं, वरना अगर हम ऐसे मौसम में जिसमें गर्मी होती है, धूप वगैरह होती है, अब तक इनके जो लीव्स हैं वो सारे ख़राब हो चुके होते या मुरझा चुके होते, तो इसीलिए ये टाइम बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर दी है, इसको मैंने हाफ़ कर दिया है ताकि इसको ग्रोथ करने में जो है वो आसानी हो, इसकी जो फूड रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम हो जाए। यहाँ पर मैंने मोतियाँ लगा दिया है, जैस्मिन यहाँ पर लगा दिया है। अभी आप जैसे देख सकते हैं इनके जो लीव्स हैं उनका जिस तरह से साइज़ होना चाहिए लीव्स का वैसे नहीं है, क्योंकि इनको सनलाइट वहाँ पर नहीं मिल रही थी। अब इनको मैंने पॉट में शिफ्ट करके यहाँ पर रख दिया है, तो इंशाल्लाह यहाँ पर इनकी हम केयर करेंगे और इनकी फ्लावरिंग वगैरह के लिए इनको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र वगैरह भी देंगे, और फिर यहाँ पर इनकी जो है वो कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर ये फालसा रख दिया गया है, और इसकी अगर मैं आपको हाइट दिखा सकूँ ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही थी वहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ देख सकते हैं ग्रोथ इसकी जो हो रही थी वो तकरीबन ये 9-10 फुट जो है वो ऊपर चला गया है, और इसके लीव्स का साइज़ बहुत ही बड़ा बड़ा है, तकरीबन 7 से 8 जो है वो इंच इसका जो है वो लीव का साइज़ है। अब यहाँ पर दिखा दूँ आपको कि कटिंग का जो सीन है इस टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि मैंने कुछ रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है मैंने पर्पल हार्ट की कटिंग की है, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि लास्ट वीक भी जो है वो 2-3 दफ़ा बारिश होती रह गई है। तो बारिश का पानी जो सबसे बेहतरीन फर्टिलाइज़र है वो बारिश का पानी है, अल्लाह की कुदरत है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त इनको जो है वो आप देख सकते हैं कितनी इनकी ज़्यादा स्पीड से जो है वो ये ग्रोथ कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पर्पल हार्ट की पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है वो कटिंग की है, लेकिन इस तरह का रिज़ल्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। अभी मैं इसका जो है वो देख के बड़ा ही सरप्राइज़ हुआ हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी भी मैं कोशिश करूँगा कि जितनी मैं कटिंग कर सकूँ वो मैं कटिंग करके उनको मैं मज़ीद प्रोपेगेट करूँगा। तो ये दूसरा पॉट है, इसके भी हालात कुछ इसी तरह से हैं। तो आप भी अगर अपना प्रोपगेशन वगैरह करना चाहते हैं या पॉट्स को आप इस तरह से शिफ्ट करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है जब आपको दिखे कि बारिश वगैरह हो रही है या बारिश का सीन होता है, उसके अंदर ये आप काम करें, और ये बहुत ही अच्छा जो है वो टाइम होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट देके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।